हमेशा मेरी कोशिश होती है कि आपसे ऐसे आइडियाज़ शेयर करूं जो आपके घर को क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड रखने में यूज़फुल हों और साथ साथ टाइम और मनी सेविंग भी हों। सो आज की वीडियो में स्पेशली आपकी रिक्वेस्ट पर नॉन स्टिक पैन की बैक साइड जो बुरी तरह जल जाती है इसको साफ़ करने के लिए एक मैजिकल वे शेयर करूँगी, साथ साथ रमज़ान की तैयारी के कुछ क्लिप्स। बट वीडियो को एंड तक देखेंगे तो इन्जॉय कर पाएंगे ना। पसंद आ जाएँ ये सब आइडियाज़ तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू हुमैनिया ATF with another video. I hope you all are good. I'm also fine, alhamdulillah. जी सबसे पहले तो घर में ये medicines का होना एक normal सी बात है, but वक्त के साथ साथ ये expire भी हो जाती हैं। तो आज देखते हैं कि इन medicines को जो expired होती हैं उनको कैसे use में लाते हैं और जो non-expired हैं उनकी shelf life कैसे बढ़ाते हैं, उनको next use होने के लिए कैसे preserve किया जाता है। तो ये जो है ना मेरे हाथ में छोटी, ये जो है ये expire हो चुकी है, आपने इसकी वो देखी है एक्सपायरी डेट भी, और ये जो हैं इनकी अभी एक्सपायरी है। तो अब इनको मैं किस तरह से रिजर्व कर लूँगी, क्योंकि ये इतनी लाइट सी इनकी राइटिंग होती है ना कि ये वक्त के साथ साथ डिम पड़ जाती है, तो हमें पता नहीं चलता कि कौन सी एक्सपायर्ड है और कौन सी नॉन एक्सपायर्ड। तो उसके लिए नंबर वन वे ये है कि अगर आपके पास ट्रांसपेरेंट ये नेल पेंट है ना तो ये बहुत ज़बरदस्त रह जाता है। आपने क्या करना है, सिंपली उसको अप्लाई कर देना है उसकी जो एक्सपायरी डेट है ना उसके ऊपर इस तरह से। तो ये जो होगा इसके ऊपर एक कोटिंग कर देगा और जब ये ड्राई हो जाएगा तो बिल्कुल इसकी राइटिंग को प्रिजर्व कर देगा। तो ये जो है किसी तरह से भी मिटने का नाम नहीं लेगी और हमें पता रहेगा कि ये कितनी इसकी एक्सपायरी है। दूसरा तरीका ये है कि आप ये स्कॉच टेप भी यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे पर्सनली ये इतना पसंद नहीं है क्योंकि स्कॉच टेप इतनी ड्यूरेबल नहीं होती, वक्त के साथ साथ रिमूव भी हो सकती है। तो आपने कमेंट करके मुझे बताना है कि आपको इन दोनों में से कौन सा आइडिया बेस्ट लगा। अब ये देखें कितनी ज़बरदस्त ट्रांसपेरेंट कोटिंग हो गई है, इसने बिल्कुल कहीं इसको इधर उधर नहीं होने देना। तो नेक्स्ट ये है कि जो हमारी एक्सपायर्ड मेडिसिंस होती है ना उसको यूज़ करके एक इतना ज़बरदस्त मैजिक मैं करने वाली हूँ। मैंने भी आज फर्स्ट टाइम ये किया है, बट मैं आई वाज रियली रियली एस्टोनिश्ड कि इतना मैजिक हुआ है ना कि जितनी मेरे पास चार पांच एक्सपायर्ड डिफरेंट काइंड ऑफ मेडिसिंस थी ना उन सबको मैंने इस तरह से खोल के एक पैन में ले लिया। तो ये सारी इसमें एंटीबायोटिक्स भी थे, इसमें पेन किलर्स भी थी, जो भी थी ना मैंने उनकी एक्सपायरी देख कर तो मैंने उन सबको ना इसके अंदर ले लिया। और उसके बाद ये जो मोटी वाली टैबलेट्स थी ना जिनको एट टाइम्स तोड़ना मुश्किल था उसको मैंने, वो मोटर पैसल का जो डंडा होता है ना उसको मैंने ले लिया और उसके साथ ना हल्का हल्का इसको मैं ना प्रेस करती गई तो ये ना एक पाउडर्ड फॉर्म में आ गई। इसकी यूनिफॉर्मिटी देने के बाद इसको, तो अब ये जो है इसको मैं अप्लाई करूँगी इस नॉन स्टिक पैन के पिछली साइड पर जो कि बिल्कुल बर्न हो चुका है और इसका मुझे समझ नहीं थी आ रही कि इसको मैं किस तरह से साफ करूँ। तो अब इसको ना इस पाउडर को मैंने इसके ऊपर सिंपली अप्लाई कर दिया है। कुछ लोग इसको ना पानी में भी मिक्स करके तो इसको डिप कर देते हैं, लेकिन मुझे लगा कि मैं इसको इस तरह करके देखूं, देखते हैं होता है कि नहीं। बहरहाल ये फर्स्ट टाइम था मेरे लिए, तो इससे पहले मैं ब्लैक ऑयल अप्लाई कर दिया और उसके बाद अब ये जो है ना ये वॉशिंग सोडा है, ठीक है, इसके अंदर सोडियम होती है तो इस वजह से ये हवा एब्जॉर्ब करके तो ये ज़रा थोड़ी मॉइस्ट ही होती है, बेकिंग जो हमारा वॉशिंग सोडा होता है ना। तो अब ये जो साइड पे जो हैंडल है ना वहाँ पर भी मैं इसको अप्लाई कर दूँगी सारी को यहाँ से लेकर ना, तो एक थिक सी कोटिंग इसके ऊपर आ जाएगी। तो मैंने इसको पानी में डिप नहीं किया, मैंने कहा देखती हूँ क्या होता है, अगर नहीं होगा तो चले एक्सपायर्ड ही मेडिसन्स है ना। तो अब एक घंटे के बाद ना इस तरह से ये सारा इसका रिएक्शन कम्प्लीट हो गया, तो अब मैंने कहा चलो देखते हैं। तो स्टील वूल के साथ इसको आप यकीन करें कि अगर आप काउंटिंग करें ना 1 to 20 तक, तो 20 बाद में आएगा और ये साफ पहले हो चुका था। बिलीव मी गाइज, ये इतना मैजिक हुआ है ना कि मुझे समझ नहीं आई कि कौन सी दवाई ने असर किया है। ब्लैक ऑयल इसके ऊपर था, ये देखें जरा, मैंने अभी इसको बिल्कुल हल्का सा हाथ लगाया और इसको हल्के हाथ से स्क्रब किया, कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाई और विद इन नो टाइम ये बिल्कुल साफ होकर, तो ये ऐसे था कि जैसे मैं अभी इसको न्यू लेकर आई हूँ। लाइक कुछ रह जाते होते हैं ना इसके ऊपर, कोई डर्ट रह जाता है जो बाद में हम फिर इसको साफ करते रहते हैं तो वक्त के साथ साथ साफ होता है, बट यहाँ पर तो एक मैजिक हुआ। अब ये देखें साइड पर भी ज़रा सा हल्का सा मैंने फेरा है तो उससे ये बिल्कुल साफ़ हो गया। तो स्टील वुल लाइट सी मैंने, लेकिन ग्लव्स ज़रूर पहन लिए थे क्योंकि मुझे नहीं पता था कि इसमें जो केमिकल्स हैं, जो वॉशिंग सोडा होता है ना वो बहुत हार्श होता है, तो किसी किस्म के कोई भी केमिकल्स आप यूज़ करें तो ग्लव्स ज़रूर यूज़ किया करें। तो ये देखें ज़रा कितना मैजिक है। अब ये देखें इस तरह था जैसे फर्स्ट टाइम ये आया था, किसी किस्म का कोई भी स्टेन नहीं है, कुछ भी बाकी नहीं है। ये हैंडल भी देखें किस तरह से साफ़ हो चुका है और ये बिल्कुल एक रियल एक मैजिक था। आपने इसको ज़रूर अप्लाई करना और मुझे ज़रूर बताना है अपना फीडबैक।
तो नेक्स्ट जो होता है ना, हमने स्नीकर्स और जॉगर्स को आजकल जबकि ठंड है तो इसको साफ़ करके धो के अब इसको ड्राई करना एक काम होता है। तो ये जो मेथड है ना, ये मैश बैग्स या पॉली बैग्स को इस तरह क्लॉथ क्लिप्स के साथ इसको हैंग करके, तो उसके अंदर इसको हैंग करना, ये मेथड काफ़ी वायरल हुआ हुआ था। तो मैंने कहा चलो मैं आपके साथ ये भी शेयर कर दूँ। बट एक और जो मैं यूज़ करती हूँ ना, वो ये है कि इसको ना किसी मैश बैग को या किसी पॉली बैग के अंदर इसको हैंग करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिंपली ना इसकी बैक साइड को ना इस तरह क्लॉथ बाइंडिंग क्लिप के साथ ना एडजस्ट करके तो हैंग कर देती हूँ। उससे क्या होता है कि ये वर्टिकल पोजीशन में होता है तो सारा पानी जो है ना नीचे की तरफ आ जाता है और पानी इसके सोल में नहीं रहता। पहला आइडिया था उसमें पानी सोल में रह जाता था, ज़्यादा टाइम लगता था। आपने मुझे बताना है कौन सा आइडिया बेस्ट है। तो नेक्स्ट ये हमारे जब चावल हम बॉयल करने के लिए पहले डिप करते हैं ना पानी में, ये पानी इतना ज़बरदस्त है ना, आपने कभी भी सिंक में गिरा कर इसको वेस्ट नहीं करना। आपने जाकर आपके जितने भी पौधे हैं ना उनके लिए ये इतना ज़बरदस्त सप्लीमेंट है ना कि आपकी सोच होगी। इसको कैल्शियम, इसमें पोटेशियम इतना ज़बरदस्त है ना, तो ये पौधों की ग्रोथ के लिए एक मैजिक का काम करता है। तो आपने आइंदा के बाद ना इस पानी को वेस्ट नहीं करना सिंक में। तो रमज़ान चूँकि शुरू होने वाला है तो मैंने कहा उसकी थोड़ी तैयारी कर ली जाए, क्योंकि बाद में फिर रोज़ों में तो मैं बिल्कुल इस तरह का कोई काम नहीं कर रही होती, पूरी इबादत करनी होती है। साल के बाद एक महीना तो आता है, तो उसके लिए ना मैं फिर ये खजूर और अंजीर जो है ना आधा आधा किलो मैंने ले ली, उसकी गुठलियाँ निकाल कर उनको फाइनली चॉप कर लिया, और उसके अंदर मैंने अपनी मर्ज़ी के नट्स जो है ना वो भी तकरीबन 2 कप जो है उसके अंदर मिक्स सीड्स भी उनको भी ग्राइंड करके और ड्राई फ्रूट्स को भी गोर सा करके ना उसको मैंने मिक्स कर लिया। उनको पहले रोस्ट कर लिया लाइट सा देसी घी में ना, उसके बाद इन सबको मिक्स करके ना तो इस तरह से इनके मैंने लड्डू बना लिए। तो ये बहुत हेल्दी ऑप्शन है, फिग हो या ये डेट्स हो, आपको पता है वैसे भी हमारे लिए सुन्नत है खाना, और ये दोनों सुपर फूड है मैं आपको बताऊं, और ड्राई फ्रूट्स हर चीज़ इसमें हेल्दी है। तो इसको इस तरह से मैं वैसे भी साल में 1-2 दफ़ा बना लेती हूँ, लेकिन अब चूंकि रोज़े आने वाले थे तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। अब ये बॉल्स जो है ना ये मैं 2 डिफरेंट जगह पर घर में रखूँगी। इनको मैं एक तो जार में डालूंगी, इसको मैं अपने घर की डाइनिंग टेबल पर रख दूंगी कि कोई भी होगा जिसको भी मीठे की क्रेविंग होगी ना, कि बजाय इसके कि वो चॉकलेट्स ढूंढते फिरें बच्चे या कोई ऐसी और मीठे वाली चीज़ खाएँ, तो इसको सिंपली ये पिक कर लें। और उसके बाद एक जार मैं जो है वो फिल करूँगी, तो वो बच्चों की स्टडी टेबल के पास रख दूँगी, कि ये जो प्रिंगल्स और लेज के पैकेट्स खोल रहे होते हैं ना अपनी ड्रॉर्स में से, ये बिल्कुल पिक ना करें, रादर इनके सामने ये लड्डू पड़े हों ना तो ये उठा लें और खा लें, तो उनके लिए ये बेस्ट हो जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें मैं बनाती रहती हूँ। इससे पहले मैंने आपके साथ वो गुड़ की भी रेसिपी शेयर की थी, तो वो ज़रा ज़्यादा ठंड थी और बच्चों के पेपर्स में स्पेशली उनके लिए ये बहुत, उनकी मेमोरी के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं। तो इस तरह चीज़ें मैं बना के रखती हूँ, अब आगे रोज़ों में इंशाल्लाह ये काम आएंगी। तो इस तरह ना ये पिलो के कवर जो है ना, ये मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था कि जब भी आप पिलो के ऊपर इसका बेडशीट का कवर करें ना, तो उससे पहले एक रफ़ कवर इसको कर दिया करें, और कोशिश किया करें कि ये रेशमी हो, तो ये ज़्यादा जल्दी धुल भी जाता है और ज़्यादा गंदा भी नहीं होता, और इसको फिक्स करना भी आसान होता है। और सबसे बड़ी बात, जो इसके ऊपर का कवर होता है ना वो फिर इधर उधर नहीं होता और ईजीली इसके ऊपर चढ़ जाता है। अब बात ये हो रही थी कि अब ये जो बेडशीट वाला जो कवर है ना, समटाइम्स ऐसे होता है कि ये बड़ा होता है, इस तरह से हमारा तकिया थोड़ा सा छोटा होता है, तो क्या करती हूँ मैं इस तरह से सिंपली इसको टक इन कर देती हूँ, जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है ना उसी के अंदर, तकिए के अंदर टक इन करके, तो जो अंदर वाला पार्ट होता है ना उसको ऊपर कवर कर देती हूँ, तो पता ही नहीं लगता कि ये जो है कवर थोड़ा सा इससे बड़ा आ गया है। क्योंकि समटाइम्स ऐसे होता है ना कि पिलोज छोटे होते हैं तो कवर जो हम ऑनलाइन मंगवाते हैं या वैसे हम बाय करते हैं तो वो बड़े आ जाते हैं। तो सिंपल सा एक वे था, मैंने कहा मैं आपके साथ ये शेयर कर दूँ, तो अब पता ही नहीं लग रहा कि ये इससे साइज़ में इससे बड़ा था। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। सिद्रा फ्रॉम लाहौर, इंडियन मुस्लिम हाउसवाइफ स्टाइल, महाराष्ट्र इंडिया। सफीना जमुना नगर गुजरात इंडिया। सादिया अमरीन लाहौर एंड अस्मा फ्रॉम कराची। इनके कल के कमेंट्स बहुत अच्छे थे, आप भी चाहते हैं आपका नाम लूँ तो आप भी अच्छा कमेंट करें और अपना नाम और अपना सिटी नेम मेंशन करें। न्यू व्यूअर्स जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबाएँ और इस वीडियो को लाइक शेयर कर दें। स्टे गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।